राजस्थान में सरकार बनाने और गिराने को लेकर कांग्रेस पार्टी के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस में जहां एक तरह बगावती तेवर अपनाने वाले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद और प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, तो वहीं अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि सचिन पायलट दोबारा राजस्थान में कांग्रेस के साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी उम्मीद के साथ आज भगवान शिव के मंदिर में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुद्धि शुद्धि के लिए प्रार्थना किया। जी हां, भगवान शिव के मंदिर में दुग्धाभिषेक कर सचिन पायलट की बुद्धि शुद्धि करने वाले यह लोग कोई और नहीं बल्कि वाराणसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज श्रावण ये काशी में जो है सावन का महीना पतित पावन महीना चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली जो है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के इशारे पर राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं और श्री अशोक गहलोत जी के सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है आज उसके खिलाफ, और सचिन पायलट जी के बुद्धि शुद्धि के लिए जो है आज हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ के धाम में जो है रुद्राभिषेक किया है और ये प्रार्थना किया बाबा विश्वनाथ से कि जो सचिन पायलट जी के पिताजी थे वो राजेश पायलट जी, वो वही कांग्रेस के जो है समर्पित सिपाही थे और कांग्रेस का साथ और दामन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। सचिन पायलट जी को भी ये चाहिए कि इस विपदा और आपदा वाले काल में, जबकि पूरा राजस्थान में जनादेश कांग्रेस पार्टी को अशोक गहलोत सरकार को मिली है, ऐसे में जो है इस तरीके की गद्दारी भरा कदम उठाना जो है कांग्रेस का और सचिन पायलट जी के राजनीतिक करियर की हत्या होता ही है वो होगी। और हम लोग देखिए सचिन पायलट जी को अपना नेता मानते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है उनको युवा नेता मानते हैं, और हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी अपनी सारी जो गतिविधियां हैं वो कांग्रेस के पक्ष में रखें और अशोक गहलोत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के राजस्थान के सरकार को सुरक्षित करें, ताकि इन नापाक मंसूबे वाले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पे करारा तमाचा लगे और जनादेश का भी सम्मान राजस्थान के अंदर रह सके। डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है, उनके अलावा दो मंत्री और भी हमको भी हटा दिया गया है और इन पदों पर नए लोगों की नियुक्ति भी हो गई है, कोई चांस है? देखिए एक बात हम बताएं, जो है राजेश पायलट जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, उनका आक्रोश रहा है और उनकी आस्था जो है अभी भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी पर है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लालच में आकर के अपना राजनीतिक घटनाक्रम या कदम बदलते हैं तो निश्चित रूप से वो सिंधिया जैसे एक गद्दार के रूप में बनारस पूरे भारत के अंदर जाने जाएंगे और तमाम युवाओं के वो जो रोल मॉडल थे उनका भी वो ग्राफ गिरेगा और सिंधिया जैसे जो है विभीषण के रूप में भी जो है सचिन पायलट को भी जाना जाएगा। लेकिन हम ये तहे दिल से नहीं चाहते, बाबा विश्वनाथ के नगरी में उनके ऊपर दुर्धाभिषेक करके हम लोगों ने यही कामना किया है कि सचिन पायलट जी को शुद्धि बुद्धि का जो शुद्धि उनका जो बुद्धि है वो शुद्ध हो और वो कांग्रेस पार्टी की नीति और सिद्धांतों के साथ देश की सेवा करें, इसलिए हम लोग बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना की। इन कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट का बुद्धि खुलेगा और वह फिर राजस्थान कांग्रेस के साथ वापस आएंगे और अपने पिता राजेश पायलट की तरह कांग्रेस के सच्चे सिपाही बने रहेंगे।